नसबंदी ऑपरेशन के बाद दूसरे दिन महिला की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभिलाषा लोधी उम्र 26 साल अपने परिजनों के साथ शुक्रवार को बंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला नसबंदी का ऑपरेशन कराने आई थी। ऑपरेशन के बाद महिला दूसरे दिन घर पर बेहोशी की हालत में लेटी थी, तभी परिजन महिला को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 108 एम्बुलेंस से बंडा प्राथमिक उपचार के लिए लाए, जहां पर महिला को ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत की खबर सुनते ही परिजन सदमे में आ गए। इसके बाद बीएमओ अमित आनंद असाटी, बंडा तहसीलदार जेएस पटेल ने मामले की गंभीरता को समझते हुए शव का पैनल से पीएम कराया। पीएम होने के बाद मायके और ससुराल पक्ष की पुरुष और महिलाएं भड़क गई और अस्पताल के सामने ही मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। लगभग 20 मिनट तक जाम लगता रहा। बंडा थाना प्रभारी नवल आर ने तत्काल मौके पर पहुंचकर परिजनों की बात को सुना और समझा और उन्हें शीघ्र ही हल कराने का, सही जांच कराने का आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर जाम खुला गया। बंडा थाना प्रभारी स्वयं अपने वाहन में परिजनों को ग्राम बे लेकर पहुंचे। रिपोर्टर तालिब खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हवा कलचा। कहाँ की निवासी है? कुआरी के। ये जो घटना हो गई, ये क्या हो गया है? आप ऐसा ना हो तो कल सुबह कुआरी के दिन आए। हाँ हाँ। तो मोनी बोल रही है। का नाम है इनको? जंजी मोनी बोल रही है। अभिलाषा जी। कहाँ की है? बेगी। बेगी। ये आपकी कौन लगती है? बेन। ऑपरेशन हुआ था कल? का ऑपरेशन हुआ था? माने ऑपरेशन हो गया, बच्चा बंद हो नारी को। नाम आपका? राधे। कहाँ से आए? से। ये जो डेथ हो गई है महिला, वो आपकी कौन है? पत्नी। कैसे हो गया है ये मामला? अचानक हो गया सर, कल ऑपरेशन करा हुआ है। कल का ऑपरेशन कराने आए थे? बच्चा का। आज एक महिला मृत हुई है, कल ऑपरेशन हुआ था, ये पूरा मामला क्या है? एक्चुअली अपने यहाँ एलटीटी केस तो साल भर होते हैं जी, सभी के होते हैं और संस्थाओं में होते हैं, तो शुक्रवार का अपना डे फिक्स रहता है यहाँ पर जी। तो जैसा कि परिजनों ने और यहाँ पर पुलिस के द्वारा सूचना मिली है कि कल उसका एलटीटी ऑपरेशन हुआ था और महिला पूर्ण तरीके से स्वस्थ थी। उसको सुबह ड्यूटी डॉक्टर भजक साहब ने अटेंड किया था और जैसा उनको परिजनों ने बताया कि उसने नॉर्मल थी, कोई दिक्कत नहीं थी, चाय नाश्ता किया, सब कुछ किया, उसके बाद वो फेंट हो गई। उसके पैरों में दर्द बताया, थोड़े चक्कर आए, तो 108 के द्वारा हॉस्पिटल लाया गया। इनको डॉक्टर भुजक ने देखा तो उन्होंने ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया जाके। इसके बाद उसका पोस्टमार्टम पैनल डॉक्टरों द्वारा किया गया, जिसमें चार डॉक्टर थे, डॉक्टर मेहता साठी बीएमओ, डॉक्टर सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बरेटिया सर और डॉक्टर भुजक सर सीनियर मेडिकल ऑफिसर, और एक फीमेल मेडिकल ऑफिसर भी थी डॉक्टर आस्था जैन, चारों के द्वारा किया गया है और बिस्तरा प्रिजर्व किया गया उसका, जो कि फॉरेंसिक जाँच के लिए अपन FSL के लिए भेजा हुआ है। और सर यदि स्थिति ये लोग परिजन और क्षेत्र के लोग कहते हैं कि ऑपरेशन में अव्यवस्थाएं बहुत होती है, तो ये कहाँ तक सच है कि जनता के लिए क्या व्यवस्थाएं सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही? क्या नहीं है, सुविधाएं मुहैया होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं भैया। इतने अपने केस हुए हैं, जैसे कभी भी ऐसा होता है हॉस्पिटल में पेशेंट आता है, बहुत सारे केस हुए हैं जी। अब इनको ये दिक्कत, उसका कारण का पता करने के लिए हम लोगों ने FSL जांच के लिए भेजी हुई है। इनके लिए कुछ राहत राशि मिलेगी क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगी। मैंने जिले की टीम से माननीय सीमेंडो मैडम से भी मैंने बात की है, जो इस कार्य को देखते हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। लगभग इसमें 2 लाख रुपए जो गवर्नमेंट की क्षतिपूर्ति राशि है जी, उसका प्रावधान है। पूरी जानकारी दे देता हूँ। असल में मुझे CSC बंडा से जो ड्यूटी ऑफिसर थे, चिकित्सा अधिकारी, उनके द्वारा जानकारी दी गई। आवाज आ रही है कि नहीं? जी आ रही है। उनके द्वारा मुझे जानकारी दी गई कि एक महिला जो यहाँ पास में गांव की है ना, उनका TT ऑपरेशन हुआ था, वो स्वस्थ होकर घर चली गई थी और उसके बाद अभी उनको मृत अवस्था में यहाँ अस्पताल में लाया गया है। उनके पति के द्वारा थाने, सुन तो लो, उनके पति के द्वारा, अरे पूरी सुन तो लो, उनके पति के द्वारा थाने पर मर्ग इंटीमेशन लिखाई गई। मर्ग इंटीमेशन के पश्चात, चूंकि प्रकरण नवविवाहिता से संबंधित था, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सब पंचायतनामा की कार्रवाई करा के पोस्टमार्टम करा दिया गया है। अब इनके परिजनों को ये शंका थी कि इसमें कुछ कहीं गड़बड़ होने की आशंका है। उन्हें इसी बंदे जनजर ये लोग रोड पर खड़े हो गए थे, जाम की स्थिति निर्मित थी, मुझे जानकारी मिली, मैं आया। अभी मैंने ये मृतका की जो माँ है, इनको आश्वासन दिया है कि यदि कहीं इस PM रिपोर्ट में किसी डॉक्टर के द्वारा उस ऑपरेशन में लापरवाही पाई गई होगी, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
अब इनके द्वारा ये बांध थी कि उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, तो उसमें श्रीमान तहसीलदार महोदय भी पहुंचे हैं। प्रशासनिक रूप से ये चर्चा हुई है कि यदि इसमें कहीं कोई इमदाद हो सकती होगी मुख्यमंत्री कोष सहायता कोष से, तो निश्चित रूप से हम बड़े से अधिकतम राशि का केस बना के उनकी मदद करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।